हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें प्राइमरी प्रोडक्शन किसको हम बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। देन इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे What do you mean by the primary productivity? ये दो अलग अलग terms हैं, primary production and primary productivity. Productivity. इसके बाद हम देखेंगे जो primary productivity है इसकी types. Primary productivity के types कौन कौन से हैं? Types में हम जानेंगे इसमें gross primary productivity and नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसके बाद हम इसमें देखेंगे नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये सब में हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इसके बाद हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस, तो ये एक छोटा सा सिलेबस है इस टॉपिक का। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे जानने की प्राइमरी प्रोडक्शन किसको हम बोलते हैं। यू नो दैट, आपको मालूम है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का या जो भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को फंक्शन होने के लिए, फंक्शन बनने के लिए हमारे पास सनलाइट है। दैट इज द सन जो है, दिस इज द सोर्स ऑफ All requirements. जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट। तो मैं बोल सकता हूं सनलाइट जो है, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। जितने भी इकोसिस्टम हैं, उनमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज योर सनलाइट। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारे प्लांट्स जो है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूसर्स जो है अपना फूड नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं बायोमास, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो किसी भी इकोसिस्टम में जनरेट नहीं हो जाएगा जब तक नहीं यहाँ पे एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑटोट्रॉप्स जो है, प्रोड्यूसर्स जिनको हम बोलते हैं, या ग्रीन प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन की या सिंपली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। बायोमास मीन्स टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोटल मास ऑफ A living organism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है, यहां पे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, प्राइमरी प्रोडक्शन में, दैट इज मोस्टली द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका टोटल मास कितना है, दैट इज द बायोमास, और सिंपली नोन एज द ऑर्गेनिक मैटर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ग्रीन प्लांट्स, बाय ग्रीन प्लांट्स जिसको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, और सिंपली जो हमारे T1 लेवल पे आते हैं, जब हम इनको लेवल्स में डालते हैं तो हमारा बेसिक लेवल जो है T1 लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो बनाते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के लेवल पे कितना बायोमास जनरेट हो रहा है, कितना बायोमास बन रहा है, उसको हम सिंपली बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन इज सिंपली मीन इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और सिंपली द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, इन ए यूनिट एरिया, इन ए यूनिट एरिया। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा एक यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल, ये एक हैबिटेट है, दिस द हैबिटेट। इस हैबिटेट को कुछ तो भी एरिया होगा, इसमें प्लांट्स होंगे,
इसमें प्लांट्स होंगे। ये प्लांट्स जो है जब ये ग्रीन जब ये सनलाइट यूज करते हैं तो सनलाइट की हेल्प से ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस से ये मास कितना है इनका, ठीक है, ये कितना जनरेट करते हैं एनर्जी अपने आप अंदर, ये कितना ऑर्गेनिक मैटर जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपली प्राइमरी प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, एक एरिया के अंदर, एरिया मीन्स फॉर एग्जांपल ये जो इकोसिस्टम है इसका कुछ तो भी एरिया होगा, मान लो फॉर एग्जांपल 1 मीटर या सिंपली 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसका एरिया होगा, 1 किलोमीटर यहां से, 1 किलोमीटर यहां से, 1 किलोमीटर यहां से, 1 किलोमीटर यहां से, 1 किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं हम इसको, ठीक है, या स्क्वायर मीटर, क्लियर, या किलोमीटर पर स्क्वायर, ओके। तो ये इसका एरिया है। सिंपली हम बोल सकते हैं यहां पे प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये हुआ सिंपली प्राइमरी प्रोडक्शन, ओके। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन की, इसके कुछ यूनिट्स होंगे, देयर इज अ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कौन से यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं। तो यहां पे इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। इट कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास, इसको हम मास के टर्म्स में मेजर, कितना मास बना वेट के हिसाब से, ठीक है। इट कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम मास के टर्म्स में इसको मेजर करेंगे तब जाके इसके यूनिट है वो ग्राम्स में आएंगे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होगा, दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर हम एनर्जी की बेस पे मेजर करेंगे, एनर्जी में इसको हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो है वो हम कैलोरीज में लेते हैं और मास का यूनिट है वो हम स्मॉल यूनिट है ग्राम, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स हैं, मास में लेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, अगर एनर्जी में लेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर्स ने, ग्रीन प्लांट्स ने, एक पर्टिकुलर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंपली इसका नाम है प्राइमरी प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किसको हम बोलेंगे, नाउ व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस इन्होंने ये जो फोटोस, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, कितना कितने टाइम में कितना मास इंक्रीज किया, द रेट, इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, सिंपली द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, किस रेट से इन्होंने बायोमास बनाया। देखो रेट में हम क्या करते हैं, यहां पे सिर्फ हम एक यूनिट एरिया लगाते थे, मैं सेम यहां पे रिपीट करूंगा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, किस रेट से इन्होंने बायोमास बनाया, किस रेट से इन्होंने मास बनाया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, दैट इज प्रोड्यूसर्स ने, इन ए यूनिट एरिया, इन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं टाइम मेंशन करते हैं कि कितने टाइम में इन्होंने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा यहां पे। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2019 में एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट में प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स जो है कंटिन्यूअसली सनलाइट यूज करते हैं,
कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मैं एक टाइम ड्यूरेशन यहां पे बताऊंगा आपको, ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद जब मैं यही हैबिटेट देखता हूं सेम साइज का, सेम एरिया का, इन द ईयर 2020, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां की जो प्रोडक्टिविटी है, दैट प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज। एक साल में इन्होंने कितना बायोमास इंक्रीज किया, एक साल में इन्होंने कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर ही कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है इनकी बॉडी के अंदर। तो साथ साथ ही ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो करेंगे। इनका ग्रोथ होना मीन्स बायोमास बढ़ना, इनका ग्रोथ होना मीन्स बायोमास बढ़ाते हैं ये। 2019 में फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 kg था, 1000 kg, तो जब मैं एक साल के बाद देखता हूं बायोमास यहां पे इन टर्म्स ऑफ वेट, तो इसका वेट मुझे आता है 5000 kg। आप निकाल सकते हो इजीली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है 2019 में, 1000 kg, और 2020 में, यानी कि एक साल के अंदर कितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, दैट इज यहां पे था 1000, यहां पे 5000, इंक्रीज कितना हुआ, तो 4000 kg इंक्रीज हुआ। कितने एरिया में? 4000 kg पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, या सिंपली पर ईयर, एक साल में 400 किलोग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज हो गया, ठीक है, या सिंपली किलोग्राम के बदले आप लगा सकते हो यहां पे ग्राम, ग्राम, किलोग्राम का छोटा यूनिट है ग्राम, किलोमीटर का छोटा यूनिट है मीटर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्लियर। ये आप यूनिट लेते हो इन टर्म्स ऑफ मास। अगर हम इसी यूनिट को लेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सिंपली यहां पे क्या लगाना है आपको, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इतना मास जो है वो इंक्रीज हो गया एक साल के अंदर। जब आप टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ, टाइम ड्यूरेशन प्लस यूनिट मेंशन करते हो, टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करते हो मेंशन, और एरिया मेंशन करते हो, प्लस प्रोडक्शन इंक्रीज कर मेंशन करते हो, प्रोडक्टिविटी मेंशन करते हो, दैट इज योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझा गया आपको? तो ये बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ओके, हो गया, शाबाश। ये था प्राइमरी प्रोडक्शन और ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट्स याद रखना पड़ेगा आपको। मास के टर्म्स में लेंगे तो ग्राम, एनर्जी की टर्म्स में लेंगे तो किलो कैलोरी, ठीक है। नाउ अब देखो, अब वर्ड है यहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में सिंपल हम बात करते हैं कि एक हर्बिवोर, एक प्रोड्यूसर जो है, एक ऑटोट्रॉप जो है, इस ऑटोट्रॉप ने कितना बायोमास बनाया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ
बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ने कितना अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज किया, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बढ़ाया ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। टोटल प्रोडक्शन, टोटल मास हम लेते हैं यहां पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला एक इकोसिस्टम था, एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स है और ये प्रोड्यूसर्स अपना मास बढ़ाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये यूज करते हैं सनलाइट और कंटिन्यूअसली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और ये अपना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। जब ये बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ये फोटोसिंथेसिस, क्यों ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब प्रोसेस के लिए। अब टोटल एनर्जी जितना यहां पे बना, मान लीजिए इन्होंने यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस किया है, फॉर एग्जांपल 5000 kg, 5000 kg इन्होंने यहां पे प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। अब ये क्या करेंगे ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, इनको ग्रोथ करनी है, इनको डेवलपमेंट करना है, इनको फोटोसिंथेसिस और करनी है, इनको रेस्पिरेशन करना है। जो ये फूड बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, फॉर एग्जांपल इन्होंने ग्लूकोज बनाया यहां पे, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ये यूज करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को यूज करेंगे किसमें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चलाना है, मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी जब भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एटीपी बनता कहां से है आपको मालूम है, रेस्पिरेशन से। जब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये ग्लूकोज यूज करेगा ऑक्सीजन, अगर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये ग्लूकोज यूज करेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के हेल्प से ये बनाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मान लो ये प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता भी है साथ साथ एक साइड से, और दूसरे साइड से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ग्लूकोज जो है उसको कंटिन्यूसली यूटिलाइज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल इसे यूटिलाइज किया इसमें 2000 kg, 2000 kg इसने यूटिलाइज किया, जितना इसने लाइफ टाइम में यूटिलाइज किया किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्यों बनाएगा ये, क्योंकि इसको क्या करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म करना है। ध्यान से सुनना, जितना इसने टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाया था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें से उसने कुछ यूज किया एटीपी बनाने के लिए। जब ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी बनाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। सिंपली हम बोलेंगे रेस्पिरेशन में इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किया, रेस्पिरेशन में इसने कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूज किया, जिसको हम बोलते हैं फूड इसने यूज किया, तो सिंपली इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कितना है वो, 2000 kg। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जितना इसने बनाया, फॉर एग्जाम्पल कितना लिया हमने, 5000 kg, ये 5000 kg को हम मान के चलते हैं दिस इज योर जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्लांट ने यूज किया, जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, कैपिटल आर। अब इस प्लांट के पास कितना बचा, अब ये प्लांट है या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, इसके पास अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा, क्लियर, जो ये ट्रांसफर कर सकता है हर्बीवोरस को। तो मैं लिखूंगा यहां पे नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना इसके पास था, नेट किसके बराबर है, इनको इसको बोलते हैं एनपीपी। एनपीपी निकालने के लिए हमें देखना है कि जीपीपी कितना था और जीपीपी में से आर कितना लॉस हो गया, यानी कि लॉस कितना हुआ, टोटल कितना था, रेस्पिरेशन में यूज कितना हुआ। अब जो बचा वो है आपका एनपीपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पर इसके पास टोटल 5000 था पहले, 5000 kg, इसमें से इसने यूज किया है 2000 किसके लिए, फॉर रेस्पिरेटरी लॉस, इसमें से इसने यूज किया 2000
अब कितना बचा 3000 किलोग्राम्स। दैट मींस मैं लिख सकता हूं यहां पे दिस वॉज योर जीपीपी, ये आपका जीपीपी था, टोटल एनर्जी में कितना यूज हुआ, ग्लूकोज कितना यूज हुआ, रेस्पिरेटरी लॉस कितना हुआ, माइनस आर, जितना वहां पे बचा ये होगा आपका एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या मैं लिख सकता हूं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर होता है जीपीपी कितना था माइनस आर कितना हुआ, ग्रास कितना था, रेस्पिरेशन में कितना यूज किया इस प्लांट ने, लिखो जीपीपी माइनस आर, तो सिंपल है। तो ये आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर ये दिया हुआ तो ये आंसर बनाना, ये दिया हुआ ऐसे तो ये आंसर करना है। That is NPP is equal to GPP minus R, or simply GPP minus R is equal to NPP. Okay? तो हम बोल सकते हैं net primary productivity किसके बराबर है? The gross primary productivity minus respiratory loss is equal to your net primary productivity. Generally अगर हम देखेंगे net primary productivity और gross primary productivity, ज्यादा कौन होता है यहाँ पे? तो आप obviously आंसर करेंगे gross primary productivity ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी इसने प्रोडक्शन ऑफ बायोमास किया दैट इज योर जीपीपी। अब रेस्पिरेटरी लॉस में कितना किया इसने यूज और आगे जाके कितना बचा के रखा इसने, दैट इज द नेट। रेस्पिरेशन लॉस एंड एनपीपी इज ऑलमोस्ट इक्वल, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इसने 100 या 1000 किलोग्राम बनाए, 1000 में से 500 यूज होंगे इसके रेस्पिरेटरी लॉस और 500 जो है वो एक्ट करेगा ये नेक्स्ट जनरेशन की, नेक्स्ट ट्रॉफी लेवल के लिए एनपीपी। ठीक है, 500 किलोग्राम आर होगा और 500 मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि एनपीपी ये इक्वल होता है रेस्पिरेटरी लॉस के, जितना रेस्पिरेटरी लॉस में इसने किया है, जितना इसने यूज किया है और उतना ही उसने कुछ बचा के रखा है, इसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये अमाउंट आपको देखिएगा कि प्लांट ने जो ग्रोथ किया है, प्लांट जो साइज में बढ़ गया है, प्लांट ने जो अपना बायोमास बढ़ाया है, वो इसने क्यों बढ़ाया है, जब यहाँ पे ये रेस्पिरेशन करेगा, जब यहाँ पे ये एनर्जी करेगा, जब यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, तब जाके ये प्लांट में ग्रोथ करेगा। ठीक है, शाबाश। तो ये था टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सिंपली जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी टोटल बायोमास कितना बनाया इसने ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और उसमें का लॉस कितना हुआ जब ये रेस्पिरेशन कर रहा था, इसको हम सिंपली बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। जीपीपी में से निकाल दो रेस्पिरेटरी लॉस, वो आपका बना एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके बेटा, हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं अब यहां पे कि जो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नाउ दिस एनपीपी इज रेडी फॉर टी2 लेवल, टी2 मींस हर्बीवोर्स। मैं लिखूंगा ये पॉइंट यहां पे, नाउ दिस एनपीपी इज रेडी फॉर टी2 लेवल। क्यों टी1 लेवल पे हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज मोस्टली फॉर टी1 लेवल, ट्रॉपिक फॉर ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, जिसमें जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और टी2 लेवल को हम क्या बोलते हैं, जनरली इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, और कुछ लोग इनको बोल सकते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स जो डायरेक्ट डिपेंड अपॉन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे है, यहां पे यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब रेडी है किनके लिए, टी2 लेवल के लिए, हेटरोट्रॉप्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ट्रॉपिक लेवल को हम नाम देते हैं नेट, सॉरी उस प्रोडक्टिविटी को हम नाम देते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, चलो अब वर्ड है यहां पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल इजी है, इस पॉइंट को जल्दी से नोट करो, लास्ट में जो मैंने लिखा है अभी।
देखो सेकेंड प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंड प्रोडक्टिविटी इज सिंपली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। अब यही बायोमास कौन बनाएगा, हेटरोट्रॉप्स, दैट इज द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, यही मैंने लिखा यहां पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, या सिंपली हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी आप यूज कर सकते हैं इसको, कितना एनर्जी बनाया उन्होंने या कितना बायोमास बनाया, टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ट्रॉपिक लेवल में, जो एक फूड चेन में, जो एक फूड वेब में या एक इकोसिस्टम में टेक पार्ट करता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर एट एट कंज्यूमर लेवल, एट कंज्यूमर लेवल, या सिंपली एट T2 लेवल। अगर किसी को ये भी समझ नहीं आता है तो हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स ने, अब देखो ये प्रोड्यूसर्स था, ये प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स ने टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाया, ठीक है, उसमें से कुछ रेस्पिरेशन लॉस हो गया, अब टोटल यहां पे बचा एनपीपी। अब ये एनपीपी जो है ये अब ट्रांसफर होगा किन पे, कंज्यूमर्स पे, ये कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर होगा। अब कंज्यूमर के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है, बायोमास कितना है, दैट इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये मैंने लिखा द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट कंज्यूमर लेवल, ये आपका कंज्यूमर लेवल है, ये आपके हेटरोट्रॉप्स है, ये T1 था ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट और ये ट्रॉपिक लेवल सेकेंड है। ट्रॉपिक लेवल सेकेंड पे कितना बायोमास जनरेट हो रहा है, दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सिंपल है। यहां पे हम नेट की बात कर रहे थे, यहां पे हम बात कर रहे थे जीपीपी की, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की, यहां पे हम बात कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। याद रखना जब भी प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगा तो आपका आंसर होना चाहिए दीज आर रिलेटेड टू प्रोड्यूसर्स, ये सब प्रोड्यूसर्स पे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर्स के रिलेटेड है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो हमेशा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आर डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के लेवल पे, हेटरोट्रॉप्स के लेवल पे कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक, चलो ह्यूमन की एग्जाम्पल लेंगे, ये ह्यूमन की एग्जाम्पल है, अभी इसकी एज है 5 years और इसका जो वेट है दैट इज द 30 kg। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 30 kg इसका बायोमास है। इसके बाद ये डायरेक्टली कंज्यूम करता है प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि यहां पे एनर्जी सोर्स यही है। फिर हम देखते हैं 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, ये ह्यूमन जो है इसने, इसकी बॉडी ने ग्रोथ किया है, आफ्टर 10 years इसकी जो बॉडी का वेट है दैट इज द 60 kg। तो 60 kg यहां पर मैं बोल सकता हूं इसने प्रोडक्टिविटी जनरेट किया है, पहले क्या था ये 30 kg, अब इसके पास कितना है 60 kg वेट, 60 kg इसका बायोमास, बट एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो जो इसका ये बायोमास है दैट इज इट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये इसकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कंज्यूमर की, यहां पे हम बात कर रहे हैं हेटरोट्रॉप्स की, यहां पे ये हेटरोट्रॉप है, ये कंज्यूमर है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स है, इसने प्रोड्यूसर्स की एनर्जी दिया और वो एनर्जी कंज्यूम कर करके इसने अपने बॉडी में प्रोडक्टिविटी किया, एनर्जी का अपनी एनर्जी बढ़ाई, अपना बायोमास बढ़ाया, अपना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाया, जो सेकेंड ड्रॉप लेवल पे उसने ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाया, दैट इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट्स सेम होंगे, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मास लेंगे तो मीटर्स में आएगा, सॉरी तो मास लेंगे तो, शाबाश, इन टर्म्स ऑफ वेट तो मास, इन टर्म्स ऑफ अगर हम एनर्जी लेंगे तो किलो कैलोरी। समझ आ गया बेटा आपको,
तो ये हुआ आपका सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ना एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, प्रोडक्शन इन ओशंस, यानी कि रेट ऑफ बायोमास, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन ओशंस। ओशंस जो है कैसे बनाते हैं बायोमास, क्या वहां पे प्रोडक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट देते जल्दी, प्रोडक्टिविटी हेडिंग डालो ऑफ ओशियंस, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस। ओशन जो है ये एक मैराइन वाटर बॉडी है, जिसको हम नाम सिंपल लिख सकते हैं मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम। अगर हम सबसे पहले इसका एरिया देखेंगे, कितना एरिया ओशंस ने कवर किया, कहा जाता है कि जो हमारी अर्थ है, अगर हम इस अर्थ को 10 हिस्सों में बांटेंगे, 10 हिस्से करेंगे, तो जो 7 हिस्से हैं, 7% या सिंपली 70% वो होगा आपका ओशन इकोसिस्टम, और बाकी जो 30% बचा, दैट इज योर लैंड इकोसिस्टम। अब ज्यादा कौन है? ओशंस, ओशंस का एरिया बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 70%। मैं पॉइंट लिखूंगा यहां पे, ओशंस कवर, ओशंस कवर्स अबाउट 70% ऑफ टोटल लैंड या टोटल अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है, ये सरफेस का, ये सरफेस का 70% कवर किसने किया है? ओशंस ने, ओके। लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑन अर्थ, टोटल अर्थ में ये कैलकुलेट किया गया है कि पर एनम हर साल प्रोडक्टिविटी होती है यहां पे 170 बिलियन टन्स। ये कैलकुलेट किया गया है वैल्यू पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर, पर ईयर 170 बिलियन टन्स बायोमास प्रोड्यूस होता है एज द प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करेंगे इस 170 मिलियन टन की, आउट ऑफ दिस 170 बिलियन टन्स 100 सिर्फ ओनली 30% जो है वो ओशन से निकलता है बायोमास। 30% ये कैलकुलेट करता है, ओनली 55 बिलियन टन्स आर फ्रॉम ओशंस। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, 30%। बाकी जो 70% है, दैट इज योर लैंड, लैंड प्रोडक्टिविटी, दैट इज योर लैंड प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन्स। अब यहां पे बचा कितना? 115 बिलियन टन्स पर एनम आपका लैंड प्रोडक्टिविटी है। तो इतना ज्यादा एरिया होने के बाद भी, 70% एरिया कवर करने के बाद भी, हमारे ओशियंस ओनली 55 बिलियन टन्स आउट ऑफ 170 बिलियन टन्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओनली 30% प्रोड्यूस करते हैं। कवर को कवर कितना करते हैं एरिया? 70%। लेकिन बायोमास प्रोडक्शन कितना करते हैं? ये ओनली 30%, दैट इज 55 बिलियन टन्स आउट ऑफ 170। अब 170 में माइनस करो 55,
वहां कितना बचा 115 आप डालो, दैट इज द लैंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि बाकी जो उसको बोलते टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है पर साल 115 मिलियन टन। अब आपकी एनसीईआरटी लास्ट लाइन में क्वेश्चन करते हैं, जो ये प्रोडक्टिविटी का टॉपिक है इसका जो लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन है वहां पे आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है व्हाई, क्यों ऐसा होता है। अगर ओशियंस 70% टोटल लैंड सरफेस एरिया कवर करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी इनका सिर्फ 30% ही क्यों है, व्हाई, इसका आंसर आप करो। तो ये जो है इसके पास हमारे पास कुछ रीजंस है, देयर आर रीजंस। रीजंस ये है कि आपको मालूम है कि ओशियंस जो है ये एक छोटी वाटर बॉडी नहीं होती है, दिस इज अ डीप वाटर बॉडी, ओशियंस आर वेरी डीप। कुछ ओशियंस जो है उनकी डेप्थ होती है मोर देन 500 meters, कुछ ओशियंस की जो है उनकी डेप्थ जो है वो मोर देन 500 meters होती है। तो ये जो डेप्थ है इस डेप्थ में हमारी सनलाइट प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है इनसाइड द डीप ओशियन, जिसकी वजह से यहां पे जो डीप इनसाइड द वाटर प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली प्रोडक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करते हैं। तो ये जो पेनिट्रेशन पावर होता है सनलाइट का ये होता है फ्रॉम 15 to 20 meters, 15 से सरफेस से लेकर 15 से 20 मीटर तक की ये डेप्थ में ये सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, ये सनलाइट जा सकती है। दैट इज द रीजन कि ओशियंस का प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होता है, रीजन नंबर वन, ये फर्स्ट रीजन था। क्या रीजन है, ओशियंस आर वेरी डीप, जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, मैं लिखूंगा यहां पे रीजन नंबर वन, सनलाइट के नॉट पेनिट्रेट डीप इनसाइड ओशियंस, पहला रीजन। सेकंड रीजन ये है कि जो समुद्र का वाटर होता है द सी वाटर, सी वाटर, ये सी वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सी वाटर जो है ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है एक प्लांट को, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्टिविटी वहां पे जनरेट कर सकता है, दैट इज द सेकंड रीजन। मैं लिखूंगा यहां पे सी वाटर इज डेफिशिएंट ऑफ मोस्टली या मोस्ट